हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आप ये प्लांट देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा ये प्लांट है, मधुकामनी का, मिनी मधुकामनी। इसकी तीन चार वैरायटी आती हैं, एक पूरी इसके जिसमें सिर्फ लीफ का फर्क होता है उनके लीफ साइज का। एक इससे बड़ी लीफ साइज आती है वो मधुकामनी है, ये मिनी मधुकामनी है क्योंकि जो इसके पत्ते हैं ये छोटे छोटे हैं। और एक टेबल टॉप मधुकामनी आती है जो एकदम बॉन्जाई बनी हुई होती है, बहुत छोटे 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 पत्ते होते हैं, उस तरीके की होती है मधुकामनी। तो ये आज हम इसको रिपोर्ट करेंगे कि नर्सरी से लाने के बाद मधुकामनी को कैसे रिपोर्ट करना है और किन बातों का ध्यान रखना है और उसकी पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं, कोई भी प्लांट लाएं, अगर वो लाल मिट्टी में है तो उसको ज़रूर उसे रिमूव कर लें क्योंकि मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है और जिसकी वजह से आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है, उसको रूट रॉट हो जाता है। तो इसलिए हम इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है इसको हम निकाल दे रहे हैं और ये हमने पॉटिंग मिक्स तैयार कर रखी है। तो पॉटिंग मिक्स में हमने इसमें लिया हुआ है 50% गार्डन सोयल लिया है, 25% सैंड है और 25% इसमें हमने कंपोस्ट लिया हुआ है। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या फिर गोबर की खाद ले लीजिए, कोई भी कंपोस्ट आप इसमें लगा सकते हैं। तो हमने इसको पहले से ही प्रिपेयर करा हुआ है, कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है। तो इस मिट्टी में हम लगाएंगे ये अपना मधुकामनी। और जो ये मधुकामनी का प्लांट है ये सनलाइट लविंग प्लांट है, इस पर ना फ्लावरिंग भी होती है, फ्लावरिंग प्लांट है ये, इस पर वाइट वाइट छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, अभी इस पर नहीं आए हैं। तो अभी हम इसको लगाएंगे, कुछ टाइम बाद देखो उस पर फ्लावरिंग होगी। तो लोकेशन इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आप इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे, शेड में रखेंगे, तो जो इसके लीव्स हैं ये ब्राउन होने लगेंगी, सूखने लगेंगी और ख़राब हो जाएंगी। और सेकंड बात, इसको आपको वाटरिंग का बहुत ध्यान देना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, जड़ें इसकी ये जो है ये गल जाएंगी और जड़ें गलती तो प्लांट भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि जड़ों से तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेता है, जब जड़ें ही नहीं रहेंगी तो खाना कहाँ से खाएगा, तो ख़राब तो हो ही जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलो, अब मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा रेड मिट्टी थी वो सब रिमूव कर लिया, अब मैं इसका पॉट तैयार करूँगी। तो इसको हमें सनलाइट में रखना है, तो कोशिश करें कि आप मिट्टी का या फिर सीमेंटेड पॉट लें। प्लास्टिक का पॉट क्या है, वो धूप में ज़्यादा धूप में ख़राब हो जाता है और प्लास्टिक का पॉट पानी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो धूप वाले प्लांट मोस्टली आप सीमेंट का या फिर ये मिट्टी का लें। तो मैंने ये सीमेंटेड पॉट लिया है और इसके होल पर आप इस तरीके से कोई पत्थर रख दें ताकि जो है मिट्टी ड्रेन ना हो, सिर्फ पानी, एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो। पॉट हमेशा आपका वेल ड्रेन होना चाहिए, मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी होल्ड करके रखेंगे तो वही है कि फंगस लग जाता है प्लांट में, जैसे कि मैं आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ और जो भी प्लांट मैं रिपोर्टिंग का दिखाती हूँ या मैं करती हूँ तो उसको ज़रूर शूट करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जब भी आप कोई ऐसा प्लांट लगाएं तो आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि किस तरीके से आपको अपना प्लांट लगाना है। इसको इतना हाफ फिल कर लेना है और अब हम क्या करेंगे, ताकि अब ये हम हमेशा करते हैं और आप भी हमेशा करिए, इससे आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है, फंगस पाउडर नहीं है, तो आप हल्दी भी स्प्रेड कर सकते हैं इसकी जड़ पे और इस तरीके से मिट्टी में, ताकि क्या है इसमें फंगस ना लगे, कोई भी बैक्टीरियल अटैक ना हो। आप सबको पता होगा हल्दी जो है उसकी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो इससे फंगस या बैक्टीरिया नहीं लगेगा प्लांट में और प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। तो मैंने इसकी जड़ में कहाँ देखो, जब आप नर्सरी से लाएं तो आपके पास प्लांट में इस तरीके से जाली भी निकल सकती है। किसी किसी प्लांट में ना जाली में ग्रो करते हैं नर्सरी में, तो इस तरीके की जाली होती है, तो आप उस जाली को इस तरीके से कैंची से काट कर निकालें। देखो ये जाली, तो ये क्या है, जड़ों को होल्ड कर लेती है और इससे फिर जो है प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं करता। इसको डायरेक्ट खींचे नहीं, अगर आप खींचेंगे तो प्लांट की सारी जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और प्लांट फिर ग्रो नहीं करेगा। हमारा एक प्लांट सूख गया था ऐसे ही, तो इसको ना काट के बहुत ध्यान से आपको इसकी जो जाली है उसको निकालना है, उसके बाद आपको इसमें रिपोर्ट करना है। अब इसको इस तरीके से जाली निकालने के बाद ना रिपोर्ट कर देना है, बस अब इसमें यहाँ तक मिट्टी फिल कर देनी है, इसकी जड़ों को ढक देना है, उतनी आपको मिट्टी डाल देनी है। इस तरीके से इसको यहाँ तक फिल कर देना है और फिल करने के बाद इसमें पानी लगा देना है। पानी फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाना है ताकि नीचे जड़ों तक पहुँच जाए
उसके बाद जब आप उसको नेक्स्ट टाइम पानी देंगे, तब जब इसकी मिट्टी सूख जाए उसके बाद आपको इसको पानी देना है। तब तक आप इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, नहीं तो प्लांट फिर खराब होने लगता है। तो इस तरीके से आप मधुकामनी का जो प्लांट है, मिनी मधुकामनी, इस तरीके से नर्सरी से लाने के बाद आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी इसको डालना है। ये इसमें इतना पानी डाल देना है। हमारी मिट्टी में पहले से थोड़ा सा मॉइस्चर था, तो हम पानी इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन आप अगर सूखी मिट्टी में लगा रहे हैं उसमें पहले से ज़्यादा, क्योंकि पहले से थोड़ी सी मॉइस्ट थी तो ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। आपको पूरा गमला फिल कर देना, और ताकि पानी नीचे ड्रेन आउट हो जाए, तभी तो पता चलेगा कि आपका पॉट कितना वेल ड्रेन है और मिट्टी कितनी पोरस है। अगर मिट्टी पानी होल्ड कर रही है तो कब पूरा पौधा खराब हो जाएगा। अगर पानी होल्ड नहीं कर रही है और पानी ड्रेन आउट हो जा रहा है तो फिर आपका पौधा सही चल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए अभी कितना मैंने फुल करा था पॉट, अब देखो बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है। इसका मतलब हमारा जो पॉट है वो वेल ड्रेन है, मिट्टी भी पोरस है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिनी मधुकामनी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं नर्सरी से लाने के बाद। रही इसकी केयर, इस पर फ्लावरिंग कैसी आती है, जब इस पर फ्लावरिंग होगी मैं वीडियो नहीं जरूर बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले प्लांट के साथ। बाय बाय।